हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे परमेथ्रिन लोशन और क्रीम के बारे में, जानेंगे इसको कौन सी बीमारी के लिए यूज किया जाता है, साथ ही जानेंगे इसके ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। वीडियो के लास्ट में जानेंगे इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, इसको कैसे लगाया जाता है, और अगर कोई बच्चा इसको गलती से खा लेता है या पी लेता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको परमेथ्रिन लोशन और क्रीम के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। परमेथ्रिन क्रीम और लोशन की बात करते हैं तो यह इंसेक्टिसाइड ड्रग है। अब बात कर लेते हैं परमेथ्रिन लोशन के ब्रांड नेम की। परमेथ्रिन क्रीम और लोशन की बात करते हैं तो मार्केट में आपको बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे स्केबनिल, स्केबलाइज, परमेट, मेडिलिक, ये इस प्रकार के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। परमेथ्रिन क्रीम और लोशन के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह मार्केट में आपको 5% के स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं परमेथ्रिन लोशन के यूज की। परमेथ्रिन क्रीम और लोशन के यूज की बात करते हैं तो यह स्केबिस नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति के शरीर में बहुत ज्यादा खुजली चलती है और यह रात के समय में और भी बढ़ जाती है। इस इन्फेक्शन में व्यक्ति के ज्वाइंट्स में बहुत ज्यादा खुजली चलती है और यह इन्फेक्शन एक दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी फैलता है। परमेथ्रिन लोशन का यूज हेडलिक यानी जू को मारने के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी बच्चे या व्यक्ति के सिर में अगर जू हो जाती है तो उसको मारने के लिए इस क्रीम और लोशन का यूज किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि परमेथ्रिन लोशन और क्रीम इंसेक्टिसाइड है और यह सभी प्रकार के इंसेक्ट को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। परमेथ्रिन क्रीम और लोशन के अगर साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे स्किन इरिटेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, इस प्रकार के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस लोशन को लगाना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं वार्निंग और प्रिकॉशंस की। अगर किसी व्यक्ति को परमेथ्रिन लोशन और क्रीम से अगर किसी भी प्रकार की एलर्जी होती है या रिएक्शन होता है तो उस क्रीम को लगाना तुरंत बंद करें और इसे दोबारा यूज बिल्कुल ना करें। अगर किसी व्यक्ति के स्किन पर घाव, कटा हुआ या जला हुआ है तो आप इस क्रीम और लोशन का यूज बिल्कुल ना करें। अगर आप परमेथ्रिन लोशन और क्रीम का यूज करते हैं तो आप इसे नाक, कान, मुंह पर बिल्कुल ना लगाएं। परमेथ्रिन क्रीम और लोशन को बच्चों से दूर रखें। अब बात कर लेते हैं इसको कैसे लगाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति या बच्चे को अगर स्केबिस नाम की बीमारी हो जाती है तो उस समय इस क्रीम और लोशन का यूज किया जाता है और इस क्रीम को नहाने के बाद लगाया जाता है और इसे कम से कम 10 से 12 घंटे तक लगे रहने दें, जिससे यह आपको प्रॉपर वर्क कर सके और यह आपके स्केबिस नाम की बीमारी को ठीक कर सके। और जिस व्यक्ति को स्केबिस नाम की बीमारी होती है वह अपने कपड़े को गर्म पानी से धोए और बाकी के लोगों के कपड़ों से अपने कपड़ों को दूर रखें। जैसा कि हमने जाना था कि परमेथ्रिन लोशन जो को मारने के लिए यूज किया जाता है और यह अगर आप यूज करते हैं तो आप नहाते समय यूज करें और इसे 10 से 15 मिनट तक लगे रहने दें, उसके बाद आप नहाए, जिससे आपको जो भी खत्म हो जाती है और यह दोबारा नहीं होती है। अगर कोई बच्चा गलती से परमेथ्रिन लोशन खा लेता है या पी लेता है तो उसे उल्टी कराने की कोशिश करें और जितना जल्दी हो सके आप उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करें। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें, आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको परमेथ्रिन लोशन और क्रीम के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।